गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, क्रॉप सीजन्स, क्रॉप एज फूड्स, नाइट्रोजन साइकल्स एंड लास्ट टॉपिक फूड फ्रॉम एनिमल। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्रॉप सीजन्स क्या होता है। क्रॉप सीजन्स में बेटा आप ये समझ लो कि क्रॉप्स, देखो मोहन वाज वंडरिंग वेदर ए क्रॉप्स कुड बी ग्रोन एनी सीजन्स। मोहन को बेटा स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, मोहन एंड हिज ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब मोहन को ये सारे प्रोसेस के बारे में पता चलता है वो खुश होता है, मतलब कि उसे खुश होती है कि हाँ, तो वो फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी भी क्रॉप को किसी भी सीजन में उगा सकते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर आंसर देते हैं बेटा नो मीन्स क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कौन से क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, कौन से क्रॉप को कम पानी चाहिए, कौन सा क्रॉप ठंड के मौसम में अच्छा ग्रो होता है, कौन सा क्रॉप गर्म के मौसम में अच्छा ग्रो होता है। ठीक है ना बेटा, ये डिपेंड करता है। इसीलिए कुछ क्रॉप जून जुलाई में शुरू करते हैं उगाना, कुछ क्रॉप हम दिसंबर में उगाना शुरू करते हैं। ठीक है ना बेटा, अब ये देखो, जैसे फर्स्ट है, इन इंडिया देयर इज बेसिकली टू मेन सीजन्स फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स आर मतलब क्या कि दो सीजन्स होते हैं, पहला जिसमें क्रॉप्स जैसे राइस, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा एंड सो ऑन, बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। मतलब कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, मानसून वर्ड से समझ लो जब बारिश होनी शुरू होती है जुलाई के टाइम, ठीक है ना बेटा, तभी बारिश होनी शुरू होती है, दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून और जुलाई जब बारिश शुरू होती है, ठीक है बेटा, उसे होता है मानसून सीजन। सिंस दिस क्रॉप्स रिक्वायर, क्योंकि देखो अब जो अगर वो मानसून में ग्रो हो रहा है मीन्स कि समझ ही लो कि उसे क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है ना, अगर उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तभी तो उसे हम मानसून में ग्रो कर रहे हैं ना। दे आर हार्वेस्टेड द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर एंड इसे बोलते हैं बेटा खरीफ क्रॉप्स। ठीक है ना बेटा, इसे ही बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, पोटैटो, मस्टर्ड एक्सेट्रा सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। और देखो ये पहले तो मैंने पढ़ा कि जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है ना, जिसे जून और जुलाई में उगाते हैं और सितंबर में जाके अक्टूबर में उसे पानी डालना, मतलब कि उसकी कटाई होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसे पानी की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, तो जो उस टाइम जून और जुलाई में बारिश हो रही होती है तो उसके पानी का जरूरत वहाँ से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट बेटा मैंने बताया कि बार्ले, पोटैटो, मस्टर्ड ये सभी होते हैं अक्टूबर में, सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। ठीक है ना, मतलब इसे उगाया अक्टूबर में जाता है और मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसे विंटर क्रॉप करते हैं जो ठंड में होती है, मतलब इन क्रॉप्स को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी में इसे उगाएंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। और इसे बोलते हैं बेटा राबी क्रॉप्स। ठीक है ना, देर आर थर्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स कार समर क्रॉप्स। तीसरी वेराइटी क्रॉप को बोलते हैं समर क्रॉप। दिस इंक्लूड राइस, मार्जा, पल्सिस, पोटैटो, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। दिस ग्रोन इन द प्लेस वेयर वाटर सप्लाई एक्यूरेट और सॉइल फर्टिलिटी गुड। ठीक है ना बेटा, द सीजन फॉर दिस क्रॉप एक्सटेंड फ्रॉम मार्च टू जून। ठीक है ना, अब देखो बेटा इन फर्स्ट क्रॉप जब उगा रहे थे उसमें पानी ज़्यादा चाहिए था, बट सेकंड क्रॉप में क्या था, पानी चाहिए बट ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक ठीक क्वांटिटी में हो तभी ये क्रॉप हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉप एज फूड। क्रॉप एज ए फूड कैसे, सबसे पहले मैं इसको ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो बच्चों, कोई भी जानवर है, कोई भी इंसान है, ठीक है ना, वो आप खाना खा रहे हो, प्लांट खा रहे हो, मतलब साग खा रहे हो, चाहे पल्सिस दालें खा रहे हो, ठीक है ना, आप खा रहे हो, एनिमल्स भी खा रहे हैं। अगर एनिमल या ह्यूमन डेड होता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी की डिकम्पोजिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू होता है। गल सड़ने के बाद क्या होता है बेटा, वो वापस कहाँ चल जाता है, गलने सड़ने के बाद वो वापस चल जाता है एनवायरमेंट में। मीन्स क्या हुआ बेटा, इन्वायरमेंट ने ही हमें न्यूट्रिएंट दिया और वापस जब वो चीज़ें मर गया तो इन्वायरमेंट ने ही वापस उसे ले लिया, मतलब इस चीज़ को बेटा बोलते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है ना बेटा, इन्वायरमेंट ने तुम्हें कितना कुछ दिया, खाना दिया, पानी दिया, ठीक है ना, अब जब तुम्हारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो वो उसे वापस भी ले लेगी आपसे। तो द नेचुरल रिसाइकलिंग टेक प्लेस इन नेचर बिटवीन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड लिविंग इन्वायरमेंट। ठीक है ना बेटा, नॉन लिविंग और लिविंग इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग का मतलब, तो लिविंग मतलब क्या हुआ बेटा, लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, जो हिल सकते हैं, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जिनके अंदर लाइफ होता है। नॉन लिविंग जैसे अब नॉन लिविंग, ठीक है ना बेटा,
लिविंग और नॉन लिविंग का तो आपको पता है, नॉन लिविंग जिनमें लाइफ ना हो, लिविंग मतलब जिनमें लाइफ हो, ठीक है। दिस अब देखो, दिस साइकिल कॉल बायोलॉजिकल साइकिल, बेटा इस साइकिल को बायोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना। अब देखो हमारे, हमने बेटा लाइफ में यही सीखा है कि हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए, हमने बेटा यही सुना है कि हमेशा हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, बट बेटा ये जरूरी नहीं है। प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी बेटा, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से ही अकेला हमारी जहां हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, नाइट्रोजन भी चाहिए, तभी नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना बेटा। अगर हमारे फार्म जहां पे हम फसल उगा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होगा तो फसल नहीं उगेंगे, अगर नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा होगा तो फसल अच्छा होगा, क्योंकि फर्टिलिटी इंक्रीज करता है नाइट्रोजन कंटेंट। द एटमॉस्फेरिक कंपेयर 78% ऑफ नाइट्रोजन, सो इट रीचेस सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है बच्चों, ठीक है ना, तभी ये रीचेस सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है। बट बिफोर द नाइट्रोजन कैन यूज बाय लिविंग, ठीक है ना बेटा। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, बिफोर यूज दिस नाइट्रोजन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चेंज होता है बेटा। अब आप इस बात से समझ लो, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो बेटा इस डायग्राम से समझाता हूं। पहले तो ऊपर डेफिनेशन से पढ़ लो, द सर्कुलेशन मतलब कि रिसाइकलिंग प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब कि मान लो कि ये यहां से शुरू हुआ, यहां गया, यहां से घूम के वापस यहीं आया, इसे बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट कॉल नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले आप इजी वर्ड में समझो, सबसे पहले होता क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ठीक है बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जब भी बेटा आप जब भी देखते हो ना, बारिश होता है तो बिजली की आवाज आपने सुने ना, जिसे हम लाइटनिंग भी बोलते हैं हिंदी में, बिजली बोलते हैं, जो कड़कती है काफी तेज आवाज आती है, जब भी वो होता है ना बेटा, वो ना नाइट्रोजन को तोड़ देता है, ब्रेक करता है, ठीक है ना। जैसे ही एटमॉस्फेयर में बिजली चमकती है ना, मतलब आवाज आती है काफी तेज की, लाइटनिंग होती है ना, वो क्या करता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इसलिए मैंने यहाँ लिखा बैक्टीरिया और लाइटनिंग, ये दोनों हेल्प करता है इसके, स्टार्टिंग बेटा लाइटनिंग करता है, बाद में बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है तो वो जैसे ही लाइटनिंग होगी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, वो कन्वर्ट होगा बेटा नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है बेटा, इन सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। तो अब देखो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मैं यहाँ कोई टफ टफ वर्ड्स नहीं लिखने वाला हूँ, जस्ट इन सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, लाइटनिंग भी स्लैश बैक्टीरिया डाल देना तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड। अब देखो नाइट्रोजन, अब मैंने क्या पहले बताया था, नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल को नाइट्रोजन चाहिए होता है। प्लांट क्या हुआ, प्लांट ने ये नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है बेटा, प्लांट ने ये नाइट्रोजन ले लिया। अब प्लांट के पत्तों को कौन खाता है, या तो हम खाते हैं या एनिमल खाते हैं, मेनली जा एनिमल खाते हैं प्लांट के, प्लांट पत्ते किसने खा लिए, एनिमल ने खा लिया, ठीक है बेटा। अब आपको ये पता ही है कि कुछ दिनों बाद एनिमल भी मरेगा प्लांट भी मरेगा, दोबारा क्या होगा, वो डीकम्पोज होगा, उनकी बॉडी गलेगी सड़ेगी, और दोबारा क्या हुआ, बैक्टीरिया क्या करेगी उसे, उस अब आ गया, ये जब डीकम्पोज हो गया सड़ सुड़ गया, तो उस टाइम बैक्टीरिया क्या करती है, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड को, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ प्लांट में गया एनिमल गया दोबारा बैक्टीरिया के पास आया, वो क्या करता है, इसमें से कुछ को नाइट्रोजन कंपाउंड बना देता है, चेंज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है ना। पर क्या करता है कि कुछ पार्ट, मान लो 50% उसने दोबारा नाइट्रोजन कंपाउंड बना दिया, मतलब कि क्योंकि एक्चुअली में प्लांट ने क्या खाया था, प्लांट ने क्या लिया था, नाइट्रोजन कंपाउंड लिया था, और प्लांट से किसने लिया, एनिमल ने, दोनों मरे। बैक्टीरिया ने क्या किया, दोबारा कुछ को तो 50% को मान लो उसने कंपाउंड में दोबारा कन्वर्ट कर दिया, दोबारा ये प्रोसेस हुआ, दोबारा ये मतलब कि नाइट्रोजन कंपाउंड में आया, दोबारा ये प्लांट के पास जाएगा, फिर एनिमल के पास, फिर दोबारा बैक्टीरिया। पर ये क्या करता है, कुछ को तो यहाँ कन्वर्ट करता है पर कुछ को कन्वर्ट नहीं करता है, नॉट चेंज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। जब ये नहीं करता तो बेटा उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के मतलब होता है दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अगर जो कन्वर्ट नहीं हो पाता नाइट्रोजन कंपाउंड में, वो उसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनता है।
ठीक है बेटा, आपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा या टेस्ट टूस्ट में क्वेश्चन आएगा तो आपने इतना बनाना, ये लाइंस के नीचे वाला वर्ड मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ, ये वाला एरो, ठीक है ना, आपने ये वाला साइकिल बनाना है। इजी सा साइकिल मैंने आपको दिया है, टफ नहीं है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर चेंज हो जाए तो कंपाउंड बनता है, दोबारा प्लांट में जाता है, एनिमल में जाता है, फिर बैक्टीरिया में जाता है, अगर चेंज ना हो तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ी और डिटेल्स में बेटा हम पढ़ लेते हैं इसको। अब देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था, ठीक है बच्चा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या हुआ, लाइटनिंग हुई, वो क्या हुआ एटमॉस्फेरिक, अब ये नहीं होता कि बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सीधा ही प्लांट द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, वो कर ही नहीं सकता उसे यूज, वो क्या कहता है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट के पास जाता है, वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं तुझे यूज कर सकता, तू पहले बैक्टीरिया के पास जा या लाइटनिंग के पास जा। सर तो फिर क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होता है वो क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, जब भी ये देखो, जैसे मैंने अभी, चलो ये हौली हौली समझ लोगे आप, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के पास गया, ठीक है, लाइटनिंग के पास जैसे ही वो जाएगा वो उसे ब्रेक करेगा, किसमें करेगा आप माइंड में सोचो, किसमें किया था उसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रोजन कंपाउंड फिर किसके पास गया, बैक्टीरिया के पास गया, बैक्टीरिया बोलता चल अब मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ कि तू प्लांट में चल जा, वो फिर भाई प्लांट में गया, यह मैंने डायरेक्ट लिख दिया वैसे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया वाला प्रोसेस, पर ये वाला प्रोसेस सबसे पहले ये, इसमें अब लाइटनिंग के पास गया, लाइटनिंग और बैक्टीरिया ने उसकी हेल्प की, चल अब तेरी हेल्प कर सकते हैं कि तू प्लांट में जा सकता है, फिर क्या करता है वो बैक्टीरिया, फिर वो प्लांट के पास जाता है, प्लांट के जड़ में जाता है, क्योंकि प्लांट के जड़ में ही, प्लांट का जड़ ही, क्योंकि प्लांट का जड़ ही मिट्टी के साथ कॉन्टेक्ट में होता, उसके जड़ में, उसके जड़ में ना बेटा बैक्टीरिया होती है, नेम लिखा हुआ मैंने, ये बैक्टीरिया क्या करता है उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, कहता भाई तू हो जा कन्वर्ट अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया मतलब NH3, NH3 में क्या होता है, फिर अब देखो ये एक भाई के पास गया, उसने ऐसे अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो क्या करता है अमोनिया दूसरे भाई के नाइट्रोजन नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के, इस बैक्टीरिया के दूसरे भाई के पास जाता है जिसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ये बोलता चल भाई तू नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जा, NITRATES RI आएगा बेटा यहाँ पे, जब RI आ जाए तो मतलब NO2 और एक नेगेटिव चार्ज, फिर वो बोलता चल एक भाई के पास गया उसने ये कन्वर्ट किया, और साथ में बोलता चल मेरे पास थोड़ी देर और रुक जा, रुका उसके पास, उसने दोबारा इसे, अब यहाँ बेटा RI है, यहाँ RA होगा सेम, बस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो, अब एक क्वेश्चन और छोटे से माइंड में ऐसा था कि सर प्लांट नु क्यों चाहिए था? मतलब प्लांट को क्यों चाहिए होता है नाइट्रोजन, क्या करना है, एनिमल क्या करेगा नाइट्रोजन का? बेटा प्लांट क्या करता है, इस नाइट्राइट से प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, अगर प्रोटीन उसकी लाइफ के लिए जरूरी होता है, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो प्लांट्स मर जाएंगे, ठीक है ना, वैसे ही एनिमल क्या करता है, इसे खाता है प्लांट से और दोबारा प्रोटीन बनाता है। डेड प्लांट द्वारा क्या होता है, जब प्लांट सब मर जाते हैं तो दोबारा वो क्या, जब डेड प्लांट मर जाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन बेस्ड में, ठीक है ना, ओवर दिस टाइम क्या होता है, वेस्ट डिके होता है एंड वो अमोनिया, अब वो ऊपर वाला ही प्रोसेस, मतलब दोबारा जब ये हो गया, अब बेटा वही तो बात है ना, जब नाइट्रोजन साइकिल क्यों कहते हैं हम, प्रोसेस चला सब कुछ हुआ खत्म हो गया एंड देन दोबारा शुरू हो गया, जब वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया, ठीक है ना बेटा, ओवर टाइम क्या हुआ, ये वेस्ट डिके हुआ दोबारा क्या क्या बनेगा, वेस्ट डिके कहाँ हो रहा है, जमीन पे हो रहा है ना, जमीन पे डिके हुआ, फिर उसके जड़ के पास गया, फिर उसने उसे अमोनिया बनाया, ठीक है ना, अमोनिया फिर कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट्स में, फिर कुछ नाइट्राइट्स को प्लांट ने ले लिया और जिसको नहीं लिया वो क्या हुआ, कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन बैक टू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो बेटा आप मुझे क्वेरीज कर सकते हो ड्यूरिंग लेक्चर, इसके मैं पिक भी भेजूंगा, वो आपको एक पिक भेजूंगा, बट आपने डायग्राम बेटा यही वाला बनाना है, इजी वाला, ये नीचे वाला पोर्शंस आपने नहीं बनाना है, ये वाला पोर्शंस, ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।